और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी ने केदारनाथ यात्रा मार्ग गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भूस्खलन का जायजा लिया है। जिलाधिकारी ने भूस्खलन के कारण लापता हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जिला प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी हुई है। उन्होंने सर्च रेस्क्यू कार्य में DDRF और SDRF प्रशासनिक टीमों को रेस्क्यू कार्य को तत्परता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष अमर दे शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों का जायजा लिया, साथ ही लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार समेत रेस्क्यू टीम के सदस्य मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। लगभग 12 बजे के आसपास जो है गौरीकुंड में लैंडस्लाइड होने की वजह से कुछ यहाँ पर जो दुकानें थी वो क्षतिग्रस्त होती नदी में जा रही है। इसमें लगभग 13 से 14 लोगों की मिसिंग होने की सूचना अभी तक हमारे पास प्राप्त है। संभवतः इसमें लोग मिसिंग है और इनके लिए लगातार हमारी पुलिस प्रशासन की टीम जो है मौके पर मौजूद है। DDRF, SDRF, NDRF आदि सारे टीम जो है रेस्क्यू और सर्च के ऑपरेशन में लगे और यहाँ पर जो रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। रात को हमको करीब 11:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि गौरीकुंड के नज़दीक जो डाट पुलिया है वहाँ पर 3 दुकानें थी जो ऊपर से स्लाइडिंग होने के कारण तीनों दुकानें नदी के किनारे पर टूट गई थी और उसमें लगभग 15 से 20 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जो हमारी सबसे पहले नज़दीकी टीमें थी उन टीमों को अवगत कराया गया और वो तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर सर्च अभियान शुरू किया गया जिसके कारण कि भारी बारिश के कारण सर्च अभियान को कुछ देर के लिए रोका गया और सुबह जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में फिर से सर्च अभियान चलाया गया जिसमें अभी तक की तीन बॉडियों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया गया है और बाकी रेस्क्यू कार्य गतिमान है।